गन्ने का रस का ठेला। बहुत पुरानी बात है, जग्गापुर नाम के एक गांव में राधेश्याम नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक गन्ने का रस का ठेला था जिससे वो जिंदगी गुजारा करता था। उसके गन्ने के रस का स्वाद बहुत अच्छा था, इसलिए खरीदार हर वक्त उसके ठेले पर आते थे। उसका हाथ बटाने मानिक नाम का एक आदमी काम करता था और हर रोज उसके ठेले पर बंटी नाम का आदमी अपने बैलगाड़ी पर गन्ने ले आता था। एक दिन उसके ठेले पर राम सिंह नाम का एक आदमी आया। राम सिंह बोला, क्यों भाई राधेश्याम, तुमने 6 महीना पहले उधार लिया था, सिर्फ सूद भरते जाओगे तो हो जाएगा। भाई इस बार असल के साथ सूद दे देना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। राधेश्याम बोला, भाई राम सिंह, अभी के अभी पैसे मांगोगे तो मैं कहां से लाके दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पैसे लेके मैं भाग तो नहीं जा रहा हूं ना। राम सिंह बोला, भाई जब भी मैं पैसे मांगता हूं तुम यही बात बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे पैसे देते हो या नहीं, या फिर मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। राधेश्याम बोला, क्यों बे, जो मन में आया बके जा रहा है साले। असल तो छोड़, मैं आज से सूद भी देना बंद कर रहा हूं, तू जो कर सकता कर ले, चल क्या उखाड़ लेगा। राम सिंह बोला, मुझसे ही तू तड़क करता है, देखता हूं तू यहां धंधा कैसे करेगा, वो भी मैं देख लूंगा। कहकर बहुत गुस्से में वो वहां से चला गया। इधर राधेश्याम गुस्से में था, इतने में मानिक बोला, मालिक 2 साल हुए आपने मेरे तनख्वाह बढ़ाए, हर वक्त अगला महीना बोलते रहते हो, ऐसा करोगे तो मैं काम छोड़ के जाऊंगा। हाँ, राधेश्याम बोला, जाना है तो जाना बाबा, हर कोई मुझे ही धमकाता रहता है, मैं क्या गधा दिखता हूँ इन लोगों को। तुझे रखना ही बेकार है, ऊपर से तनख्वाह भी देना पड़ता है, इस महीने का तनख्वाह भी नहीं दूंगा, तू जा, तू जो कर सकता है कर। तो मानिक गुस्से में वहां से चला गया। इतने में बंटी गन्ने देने वहां आ पहुंचा। राधेश्याम बोला, क्यों भाई बंटी, इतना देर लगा दी आने में, कितनी बार बताया तेरे को, फिर भी मेरी बात तेरे दिमाग में नहीं घुसती, तू ऐसा ही करता रहेगा तो देखना मैं तेरे से गन्ने लेना बंद कर दूंगा। बंटी बोला, अरे भाई गन्ने का लेबर इतना देर लगाता है, इसमें मेरा क्या कसूर, हर बार तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे निकालते हो, ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा, आइंदा से मुझे फिर से बेइज्जत किया तो देख लेना इस बार मैं क्या करूंगा। कहकर वो भी गुस्से में चला गया। दूसरे दिन एक सैनिक एक बैलगाड़ी पर 3 मटके लेकर वहां आ पहुंचा। उसने कहा, राधेश्याम कल महाराज विदेशी मंत्रियों को भोजन पे बुलाए हैं, उनको तेरे गन्ने के रस के बारे में महाराज बता चुके हैं और वो सारे गन्ने का रस पीना चाहते हैं, कल सुबह इन मटकों में गन्ने का रस भर के भेज देना, ये लो ये पैसे रख लो। फिर वो राधेश्याम को पैसे देकर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह राधेश्याम गन्ने का रस निकालने में लग गया और दोपहर तक उसने 3 मटकियों में गन्ने का रस भर दिया था। इसके बाद वो सोचा, अरे बाप रे बहुत थक गया हूं, पसीना पसीना हो गया हूं, पहले नहा लो फिर इन्हें लेकर महाराज के यहां पहुंचा दूंगा। ये सोचकर वो वहां से चला गया। इसके बाद नहा धोकर वो अपने ठेले पे आ पहुंचा। आके देखा मटकों में से रस गुल हो गया था तो वो घबरा गया, उसको समझ में नहीं आया वो क्या करे। वो सीधा महाराज के दरबार जा पहुंचा। फिर उसने पूरी बात महाराज को समझाया। महाराज बोले, अरे तू ये क्या बता रहा है मुझसे, अभी मैं अतिथियों को क्या जवाब दूंगा, लगता तो है कि तेरी वजह से मेरी नाक कट जाएगी। राधेश्याम बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं सच बात कह रहा हूँ, भोजन के वक्त तक मैं 1 मटका रस भी नहीं निकाल पाऊंगा महाराज। तो महामंत्री बोले, महाराज अतिथियों को हम फिर कभी गन्ने का रस पिला देंगे, मैं जाता हूँ और पता लगाता हूँ ये सच बोल रहा है या नहीं। राधेश्याम चल मुझे ले चल तेरे ठेले के पास, और तुझे किसी पे शक हो तो उनको खबर भेज कि वो ठेले पे आ जाए। इसके बाद उसके ठेले पर राम सिंह मानिक और बंटी भी आ पहुंचे। राधेश्याम महामंत्री की तरफ इशारा करते हुए पूरी घटना का विवरण उन लोगों को दिया। तो महामंत्री बोले, तूने उधारी नहीं चुकाई तो राम सिंह को तुझ पे गुस्सा आया होगा, पर अकेला इतना रस उसने गायब कैसे किया होगा। बंटी और मानिक भी अगर तेरा नुकसान करना चाहते तो वो मटके को फोड़ सकते थे, पर मटके तो फूटे नहीं है, इन तीनों का इस घटना से कोई संबंध नहीं है, ये किसी और का किया हुआ है। इतने में राजवैद्य वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने महामंत्री को देख के नमस्कार किया। मंत्री जी, महाराज का जो गजराज है ना, सुना है वो सुबह से ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, मैं उसका जांच करने जा रहा हूँ। उनके बातें सुनकर महामंत्री कुछ सोचने लगे। उन्होंने पूछा, हमारे गजराज रोज तालाब में नहाने के लिए किस रास्ते से जाता है और उसका सुरक्षा कितने लोग करते हैं। वैद्य बोला,
इसी रास्ते से जाता है मंत्री जी, जितना मैं जानता हूँ एक ही सुरक्षा कर्मी है उसके लिए। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। महामंत्री बोले, राधेश्याम कल सुबह तक एक मटका भर के रस फिर से बना के रखना। दूसरे दिन सुबह मटका भर के रस तैयार था और वहाँ महाराज, महामंत्री, राम सिंह और कई और लोग थे और वो सब थोड़ा दूर खड़े हुए थे। इतने में गजराज उस रास्ते आ रहा था, पर उससे तेज उसका जो सुरक्षा कर्मी था वो आगे आगे चला जा रहा था और पीछे गजराज क्या कर रहा है वो देख भी नहीं रहा था। गजराज रास्ते के किनारे से आते आते उन मटकों के पास आके रुका और फिर अपना सून डुबा के उसने पूरा गन्ने का रस पी लिया। इसके बाद महाराज, महामंत्री और बाकी सबको पता चला कि चोर कौन है और वो सब हंस पड़े। इसके बाद महाराज ने उस सैनिक को बुलाकर कहा, क्यों सैनिक, गजराज का सुरक्षा कर्मी हो पर तुम्हें पता नहीं है कि गजराज क्या कर रहा है। आगे से फिर कभी ऐसा हुआ ना तो तुझे दंड दिया जाएगा। राधेश्याम, जिसके बोल मीठे हो सब उससे मीठा व्यवहार करते हैं। अपना गुस्सा कम करो और सबके साथ मिलजुल के रहना सीखो। मंत्री जी शाबाश, आपने गन्ने का रस का चोर को जो पकड़ा है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद राधेश्याम का व्यवहार बदला और सबके साथ वो मिलजुल के रहने लगा। तो बच्चों, गुस्सा करने से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। गुस्से में हम जो बोल जाते हैं उन बातों को वापस लेना नामुमकिन होता है और गुस्से के वजह से हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। कैसी लगी हमारी कहानी, गन्ने का रस का ठेला? बहुत पुरानी बात है, जग्गापुर नाम के एक गांव में राधेश्याम नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक गन्ने का रस का ठेला था जिससे वो जिंदगी गुजारा करता था। उसके गन्ने के रस का स्वाद बहुत अच्छा था, इसलिए खरीदार हर वक्त उसके ठेले पर आते थे। उसका हाथ बटाने मानिक नाम का एक आदमी काम करता था और हर रोज उसके ठेले पर बंटी नाम का आदमी अपने बैलगाड़ी पर गन्ने ले आता था। एक दिन उसके ठेले पर राम सिंह नाम का एक आदमी आया। राम सिंह बोला, क्यों भाई राधेश्याम, तुमने 6 महीना पहले उधार लिया था, सिर्फ सूद भरते जाओगे तो हो जाएगा। भाई इस बार असल के साथ सूद दे देना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। राधेश्याम बोला, भाई राम सिंह, अभी के अभी पैसे मांगोगे तो मैं कहां से लाके दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पैसे लेके मैं भाग तो नहीं जा रहा हूं ना। राम सिंह बोला, भाई जब भी मैं पैसे मांगता हूं तुम यही बात बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे पैसे देते हो या नहीं, या फिर मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। राधेश्याम बोला, क्यों बे, जो मन में आ बके जा रहा है साले। असल तो छोड़, मैं आज से सूद भी देना बंद कर रहा हूं, तू जो कर सकता कर ले, चल क्या उखाड़ लेगा। राम सिंह बोला, मुझसे ही तू तड़क करता है, देखता हूं तू यहां धंधा कैसे करेगा वो भी मैं देख लूंगा, कहकर बहुत गुस्से में वो वहां से चला गया। इधर राधेश्याम गुस्से में था, इतने में मानिक बोला, मालिक 2 साल हुए आपने मेरे तनख्वाह बढ़ाए, हर वक्त अगला महीना बोलते रहते हो, ऐसा करोगे तो मैं काम छोड़ के जाऊंगा। हाँ, राधेश्याम बोला, जाना है तो जाना बाबा, हर कोई मुझे ही धमकाता रहता है, मैं क्या गधा दिखता हूँ इन लोगों को। तुझे रखना ही बेकार है, ऊपर से तनख्वाह भी देना पड़ता है, इस महीने का तनख्वाह भी नहीं दूंगा, तू जा, तू जो कर सकता है कर। तो मानिक गुस्से में वहां से चला गया। इतने में बंटी गन्ने देने वहां आ पहुंचा। राधेश्याम बोला, क्यों भाई बंटी, इतना देर लगा दी आने में, कितनी बार बताया तेरे को, फिर भी मेरी बात तेरे दिमाग में नहीं घुसती, तू ऐसा ही करता रहेगा तो देखना मैं तेरे से गन्ने लेना बंद कर दूंगा। बंटी बोला, अरे भाई गन्ने का लेबर इतना देर लगाता है इसमें मेरा क्या कसूर, हर बार तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे निकालते हो, ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा, आइंदा से मुझे फिर से बेइज्जत किया तो देख लेना इस बार मैं क्या करूंगा, कहकर वो भी गुस्से में चला गया। दूसरे दिन एक सैनिक एक बैलगाड़ी पर 3 मटके लेकर वहां आ पहुंचा। उसने कहा, राधेश्याम कल महाराज विदेशी मंत्रियों को भोजन पे बुलाए हैं, उनको तेरे गन्ने के रस के बारे में महाराज बता चुके हैं और वो सारे गन्ने का रस पीना चाहते हैं, कल सुबह इन मटकों में गन्ने का रस भर के भेज देना, ये लो ये पैसे रख लो। फिर वो राधेश्याम को पैसे देकर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह राधेश्याम गन्ने का रस निकालने में लग गया और दोपहर तक उसने 3 मटकियों में गन्ने का रस भर दिया था। इसके बाद वो सोचा, अरे बाप रे बहुत थक गया हूँ, पसीना पसीना हो गया हूँ, पहले नहा लो फिर इन्हें लेकर महाराज के यहाँ पहुंचा दूंगा। ये सोचकर वो वहां से चला गया। इसके बाद नहा धोकर वो अपने ठेले पे आ पहुंचा। आके देखा मटकों में से रस गुल हो गया था तो वो घबरा गया, उसको समझ में नहीं आया वो क्या करे। वो सीधा महाराज के दरबार जा पहुंचा। फिर उसने पूरी बात महाराज को समझाया।
महाराज बोले, अरे तू ये क्या बता रहा है मुझसे? अभी मैं अतिथियों को क्या जवाब दूंगा? लगता तो है कि तेरी वजह से मेरी नाक कट जाएगी। राधेश्याम बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं सच बात कह रहा हूँ। भोजन के वक्त तक मैं एक मटका रस भी नहीं निकाल पाऊंगा महाराज। तो महामंत्री बोले, महाराज अतिथियों को हम फिर कभी गन्ने का रस पिला देंगे। मैं जाता हूँ और पता लगाता हूँ ये सच बोल रहा है या नहीं। राधेश्याम चल मुझे ले चल तेरे ठेले के पास, और तुझे किसी पे शक हो तो उनको खबर भेज कि वो ठेले पे आ जाए। इसके बाद उसके ठेले पर राम सिंह, मानिक और बंटी भी आ पहुंचे। राधेश्याम महामंत्री की तरफ इशारा करते हुए पूरी घटना का विवरण उन लोगों को दिया। तो महामंत्री बोले, तूने उधारी नहीं चुकाई तो राम सिंह को तुझ पे गुस्सा आया होगा, पर अकेला इतना रस उसने गायब कैसे किया होगा? बंटी और मानिक भी अगर तेरा नुकसान करना चाहते तो वो मटके को फोड़ सकते थे, पर मटके तो फूटे नहीं है। इन तीनों का इस घटना से कोई संबंध नहीं है, ये किसी और का किया हुआ है। इतने में राजवैद वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने महामंत्री को देख के नमस्कार किया। मंत्री जी, महाराज का जो गजराज है ना, सुना है वो सुबह से ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, मैं उसका जांच करने जा रहा हूँ। उनके बातें सुनकर महामंत्री कुछ सोचने लगे। उन्होंने पूछा, हमारे गजराज रोज तालाब में नहाने के लिए किस रास्ते से जाता है और उसका सुरक्षा कितने लोग करते हैं? वैद बोला, इसी रास्ते से जाता है मंत्री जी, जितना मैं जानता हूँ एक ही सुरक्षा कर्मी है उसके लिए। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। महामंत्री बोले, राधेश्याम कल सुबह तक एक मटका भर के रस फिर से बना के रखना। दूसरे दिन सुबह मटका भर के रस तैयार था, और वहाँ महाराज, महामंत्री, राम सिंह और कई और लोग थे, और वो सब थोड़ा दूर खड़े हुए थे। इतने में गजराज उस रास्ते आ रहा था, पर उससे तेज उसका जो सुरक्षा कर्मी था वो आगे आगे चला जा रहा था, और पीछे गजराज क्या कर रहा है वो देख भी नहीं रहा था। गजराज रास्ते के किनारे से आते आते उन मटकों के पास आके रुका और फिर अपना सून डुबा के उसने पूरा गन्ने का रस पी लिया। इसके बाद महाराज, महामंत्री और बाकी सबको पता चला कि चोर कौन है, और वो सब हंस पड़े। इसके बाद महाराज ने उस सैनिक को बुलाकर कहा, क्यों सैनिक, गजराज का सुरक्षा कर्मी हो पर तुम्हें पता नहीं है कि गजराज क्या कर रहा है। आगे से फिर कभी ऐसा हुआ ना तो तुझे दंड दिया जाएगा। राधेश्याम जिसके बोल मीठे हो सब उससे मीठा व्यवहार करते हैं। अपना गुस्सा कम करो और सबके साथ मिलजुल के रहना सीखो। मंत्री जी शाबाश, आपने गन्ने का रस का चोर को जो पकड़ा है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद राधेश्याम का व्यवहार बदला और सबके साथ वो मिलजुल के रहने लगा। तो बच्चों, गुस्सा करने से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। गुस्से में हम जो बोल जाते हैं उन बातों को वापस लेना नामुमकिन होता है, और गुस्से के वजह से हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। कैसी लगी हमारी कहानी?